press the bell icon on the YouTube app and never miss another. मैं वीडियो नहीं बनाती किसी दिन तो लोग मुझे मैसेज करना शुरू कर देते कि आप क्या आटे की लाइन में चली गई थी जो वीडियो नहीं आई. तो मैं बता दूं कि जी इतनी सी आधी रोटी मैं खाती हूं तो उसके लिए मेरे घर में आटा है और मुझे लाइन में जाने की जरूरत नहीं. लेकिन हाँ, आप लोग तो बस फौरन कहीं से कहीं पहुंच जाया करें. बहरहाल हम चलेंगे आगे और अगली न्यूज हम आपको बताएंगे IMF की. IMF ने जी अभी तक जो है पाकिस्तान को फंड नहीं दिया है. एक हम कंडीशन उनकी पूरी करते हैं तो वो हमें दूसरी बता देते हैं, दूसरी करते हैं तो वो तीसरी बता देते हैं और इसी तरीके से मामला चलता जा रहा है. IMF का कहना है पाकिस्तान अपनी आर्मी को जो है वो भी यानी कि उनमें उनको जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, जो एक्स्ट्रा उनके ऊपर खर्चे किए जाते हैं आर्मी के ऊपर, वो कम करे, आर्मी का बजट कम करे. साथ साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने कहा है कि जी ये मिसाइल और वो मिसाइल और वो मिसाइल जो है उसको आप ना बनाइए या कम कीजिए. अब उसके लिए इसहाक डार साहब ने जी सेनेट में खड़े होकर कह तो दिया है कि नहीं जी हमें कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता, हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते. मगर असल बात यह है कि हमें तो कोई भी डिक्टेशन दे सकता है, हम किसी से भी डिक्टेशन ले लेते हैं. तो अगर ऐसी कोई बात थी ही नहीं, अगर न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात की ही नहीं गई थी, अगर मिसाइल्स के बारे में किसी किस्म की कंडीशंस IMF की तरफ से आई ही नहीं थी तो फिर ये बात कहां से निकली. जाहिर है कोई बात थी तभी निकली होगी ना. लेकिन बहरहाल अब हुआ यह है कि जी IMF को कहा गया है कि आप जी थोड़ी मेहरबानी कर दें. और उन्होंने साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था कि 50 रुपीज जो पेट्रोल में कम कर रही थी गवर्नमेंट, वो भी उन्होंने फैसला वापस ले लिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि IMF ने कहा है कि जी हमारे से पूछे बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. तो अब जी होगा क्या, क्योंकि अभी तक तो IMF ने जो $1.1 बिलियन देने थे वो अभी तक नहीं मिले हैं. हाँ, चाइना से कुछ पैसे जरूर हमने ले लिए हैं और जिसकी वजह से थोड़ा बहुत गुजारा चल रहा है, मगर आगे क्या होगा उसके लिए जी एक साथ. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा. तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें. तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं. जय हिंद जय भारत. सामने आए हैं पाकिस्तान से और ये है जी जो एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के यानी के एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है मलिक बोस्तान. इनका कहना है कि जी ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को $1 बिलियन दे सकते हैं हर महीने यानी मंथली बेसिस पे. ये तकरीबन 2 साल तक ये प्रोवाइड कर सकते हैं $1 बिलियन. तो भाई इसमें फिर ना करने वाली कौन सी बात है, जल्दी जल्दी पकड़ लीजिए, गवर्नमेंट को यही चाहिए. और जाहिर है कि ये एक्सचेंज कंपनी के मालिक हैं और चेयरमैन हैं तो इनके पास वो सोर्सेज होंगे जिससे कि ये डॉलर्स जो है वो मुल्क में ला सकेंगे. अब पाकिस्तान के अलावा सुनने में यही है कि कुछ कंट्रीज और हैं जिन्होंने इस तरह की जो है वो जुगाड़ लगाई थी, इस किस्म की तरकीब इस्तेमाल की थी और जब उन्हें कहीं से पैसा नहीं मिल रहा था तो अब मलिक बोस्तान ने ये ऑफर की है गवर्नमेंट को. और अब देखते हैं कि किस तरह से जो है वो इस चीज को लेकर चलती है गवर्नमेंट और इनको इनके साथ बातचीत करती है, आगे बढ़ती है या नहीं करती. बहर हम आपको अगली न्यूज की तरफ लेके चलते हैं लेकिन उससे पहले एक वीडियो देखेंगे. एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कौन है, वो कांस्टेंट कौन है जनाब स्पीकर? वो इमरान खान नियाजी है. इस क्रिकेटर को हमारा एस्टैब्लिशमेंट ने जो इस सियासत में लेकर आया, 30 साल में पाकिस्तान के आवाम का पैसा, पाकिस्तान के इदारे इस जुर्म में शामिल थे कि वो एक फ्रैंकनस्टाइन बना रहे थे. ये हर वक्त होता है जनाब स्पीकर. कुछ आइंस्टाइन हमारे इदारे में बैठते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं और आखिरकार वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हम सबके गले पर जाते हैं.